तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पे फ्लक्स दे देना, यहाँ पे पेस्ट, इसको फ्लक्स बोलिए, पेस्ट बोलिए। तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पे जो पेस्ट यूज़ करता हूँ मैकेनिक का UB80 मॉडल यूज़ करता हूँ। यहाँ पे आप रिपेयरिंग में जो भी चीज़ आप यूज़ करें, मेरा सलाह है कि वो जो है आप अच्छी से अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें। थोड़ा सा आपका पैसा जो ज़्यादा लगेगा, बट आपका काम जो है आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा और जल्दी होगा। इसीलिए जो है आपका इसमें रिपेयरिंग में अच्छी से अच्छी क्वालिटी का जो है उसमें यूज़ करें। यहाँ पर जो है आपको इसमें जो है दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं सोल्डरिंग आयरन को यहाँ पे मैं रख दिया हूँ, और ये जो आयरन है ये मेरा अभी इसमें यहाँ पे हीट है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं सोल्डरिंग आयरन को यहाँ पे रख दिया हूँ, और यहाँ पे ये मेरा 25 वाट का सोल्डरिंग आयरन है। आपको यहाँ पे पेस्ट दे देना फ्लक्स में, और सिंपल सी जो है आपको यहाँ पे फ्लक्स को आयरन के ऊपर में जो है आपको रख देना है। देखिए यहाँ पे आयरन के ऊपर मैं यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे आप देखिए ये जो है माइक मेरा कितना आसान तरीका से जो है यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अभी जो है मैं ऊपर में इसको कर रहा था, इसीलिए जो है ये मेरा अच्छे से इसमें हीट नहीं हो रहा था। अब जहाँ पे ज़्यादा हीट होता है वहाँ पे इसको अब रखेंगे तो इसको जो है ये जल्दी से आपका इसमें हीट हो जाएगा और परफेक्ट जो आपका काम होगा। तो यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा आगे मैं इसको यहाँ पर रख रहा हूँ, और यहाँ पर आप देखते हैं ये जो है कितना जल्दी इसमें हीट होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो है बिल्कुल यहाँ पर हो गया, रिमूव हो गया है। अब यहाँ पर इसको जो है मैं आपको इसमें फिर से इसको लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें हॉल रहता है, ये अभी जाम हो गया, इसको मैं आयरन से यहाँ पे क्लीन कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए इसको क्लीन हो गया। अब फिर से यहाँ पर इसको हम इस तरह से इसमें रख देंगे, और यहाँ पे जब आपको इसमें रिप्लेस करना है तो यहाँ पे जो न्यू माइक है उसको आप इसी तरह से यहाँ पे हल्का सा इसमें फ्लक्स दे दें, पेस्ट दे दें, और पेस्ट देख के फिर आपको इस यही मेथड से जो है जैसे आप रिमूव किए इसी तरह से इसको यहाँ पर जो है इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए जहाँ पर ज़्यादा हीट होगा उसको यहाँ पर मैं रख दे रहा हूँ, और फिर यहाँ पर माइक जो है उसको मैं यहाँ पर लगा दूँगा। तो यहाँ पर देखिए माइक जो है आसान तरीका से बिल्कुल जो है यहाँ पर लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो है माइक ये लग चुका है। यहाँ पे अब आपको हम इसमें चेक करके भी यहाँ पे दिखा देते हैं कि मेरा माइक जो है वो परफेक्ट यहाँ पे लगा या नहीं लगा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है माइक मेरा जो बिल्कुल जो है यहाँ पे परफेक्ट लग गया है। यहाँ पे देखिए इसको जो हम इसमें इसको यहाँ पे मैं इसमें सेट भी कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इसको मैं अच्छे से मेरा परफेक्ट है। यहाँ पे देखिए इसको कितनों भी इस तरह से कर रहा हूँ फिर भी जो है मेरा माइक जो है नहीं निकल रहा है। यहाँ पे आपको हम और जूम करके दिखाते, देखिए अभी जो है बिल्कुल जो है परफेक्ट फिटिंग है। और ये इस तरह से आप लगाएंगे तो आपका 100% जो है इसमें आपका काम भी करेगा, कोई भी जो इसमें किंतु परंतु आपका नहीं आएगा, परफेक्ट जो है आपका फिटिंग आएगा और जल्दी काम होगा। इसी तरह से और सारा जो है सभी चीज़ें उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं।